हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों का साग और मक्के की रोटी जो कि दिखने में बहुत ही टफ लगता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल रेसिपी जो इजीली बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साग बनाने के लिए हम लेंगे 4 कप सरसों का साग, 2 कप पालक और 1 कप बथुआ। इस रेशियो में लेने से सरसों के साग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सरसों के बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, सरसों हमें कैसी खरीदनी चाहिए, जिसकी कि जो स्टॉक है, जो डंडी है, वो मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, ना मोटी ना पतली। और उसमें अगर जो मोटे वाला पोर्शन है आप इसको हटा लीजिए और साग बनाने के लिए इसकी ये जो पतली वाली स्टेम है उसको रखना चाहिए। इसी से सरसों के साग में टेस्ट आता है। इसी तरीके से पालक के भी सिर्फ पत्ते नहीं लीजिए, आप उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी डंडी रखिए। देखिए, बथुआ ये इस तरीके से दिखता है, आप बथुआ लीजिए, पर बथुए में आपको डंडी नहीं रखनी है क्योंकि बथुए का टेस्ट हल्का सा बिटर होता है तो आपका साग में कड़वाहट आ जाएगी। आपको बथुए की सिर्फ पत्तियां लेनी है और उसको 1 कप आप इकट्ठा कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से बथुए की पत्तियां ले ली है मैंने। इनको मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धोया है और फिर चॉप कर लिया है। वैसे तो सरसों का साग हांडी में बनाएं तो ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बट आजकल के किचन के हिसाब से हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। हमें साग को चॉप करने से पहले ही धो लेना है, उसके बाद चॉप करके आप इसे प्रेशर कुकर में तीनों चीज़ों को डाल दीजिए। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। ये मैं बॉईल करने में ही डाल दूंगी, इससे साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल खुद भी पानी छोड़ती हैं तो हमें साग को ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए ही डालना है। इसे गैस पर चढ़ा के मैं 2 विसिल दिलाऊँगी और 10 मिनट के लिए सिम पर रखूँगी। चलिए, कुकर जितने ठंडा हो रहा है हम मक्के की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में आप मक्के का आटा लीजिए, 1 कप 2 कप आपको जितनी रिक्वायर्ड है। उसमें मैं नमक, मिर्च और पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी सिर्फ टेस्ट के लिए। इसके बाद हमें इसको धीरे धीरे बॉइलिंग वाटर ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। क्योंकि पानी बहुत गर्म है तो आप किसी स्कैपचुला या चम्मच की हेल्प ले लीजिए। धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए और आप मिक्स करते रहिए। पानी सिर्फ उतना ही ऐड करना है कि ये थोड़ा सा बाइंडेबल हो जाए, यानी कि गुद सा जाए। बस इतना करके आप मक्के के आटे को 20 मिनट से लेके आधे घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। देखिए, आधे घंटे बाद ये आटा इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो इसमें अपनी कोई लचक नहीं होती है या इसमें बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है। तो अब हमें इसे अच्छे से एक प्लेट में या किसी भी फ्लैट सरफेस पर इस तरीके से अपने पाम की हेल्प से हमें इसे मथना होता है, जिससे कि इस आटे में एक लचक आए और एक रोटी का शेप ले सके।
वैसे तो देखिए इसमें गेहूं के आटे जैसे नरम तो नहीं होता है मक्के का आटा, बट इस तरीके से गूंथ के अच्छे से इसको बार बार मल के बीच बीच में इसमें पानी का हाथ लगाइए, कभी तेल का हाथ लगाइए, और इसमें एक लचक को पैदा करना पड़ता है। जब बहुत टाइम तक आप करेंगे इस प्रोसेस में लग जाएगा कम से कम 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट तक करने पर ये देखिए एक आटे में एक लचक आ गई है। आप इसमें बीच बीच में पेड़ी बना के देख लीजिए, अगर पेड़ी टूट नहीं रही है इट मीन्स आटा रेडी होने लगा है। बस अब इसमें जितना आप हैंडल कर सकें उतना ही आटा लीजिए, और यहीं पे वो ट्रिक है कि आप इसे अच्छी तरीके से पेड़ी में ही थोड़ा सा दबाव देके इसे बाइंड करने की ट्राई कीजिए, जिससे कि रोटी फटेगी नहीं। देखिए ये एकदम परफेक्ट पेड़ी बन गई है, ये पेड़ी में ही साइड नहीं फटे हैं तो रोटी में थोड़े कम साइड फटेंगे। अब इसे बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि आटे में ग्लूटन नहीं है तो ये बहुत जल्दी फट जाती है, आपस में चिपकता नहीं है ये आटा, तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है। इस टाइम पे आप चाहें तो प्लोथन में 1 या 2 चम्मच गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, उससे ये रोटी बेलने में थोड़ी और आसानी होगी। रोटी उठाते वक्त अक्सर टूट जाती है, इसलिए मैं इसको पहले स्कैपचुला की हेल्प से चकले से अलग कर लेती हूँ और फिर हल्के हाथ से रोटी उठा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से रोटी बिल के रेडी हो गई है। आप एक के बाद एक 3 या 4 रोटी बना के रख लीजिए। रोटी सेकने के लिए हम एक तवा लेंगे, आप लोहे का तवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं मक्के की रोटी बनाना तो आप एक नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तवा कभी भी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, वो मीडियम फ्लेम में तवा होना चाहिए, और उसके बाद आप रोटी को पलटिए। अगर आप नीचे नहीं सेक पाएंगे तो आप तवे पर ही उस रोटी को पूरी तरीके से कपड़े से दबा दबा के सेक लीजिए। और अगर आप हैंडल कर पाए तो आप इस रोटी को थोड़ा सा तवे पे सेकिए, और फिर इसके बाद जैसे हम बाकी रोटी सेकते हैं उस तरीके से आप गैस पे सेकिए। अच्छी करारी रोटी बनाने के लिए मैं दोनों ही तरीके से सेक लेती हूँ, उसको थोड़ी देर तवे पे सेकती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद उसको गैस पे सेक लेती हूँ। उसके बाद जो एक स्टेप आप कर सकते हैं वो ये है कि रोटी को वापस उसी तवे पर रखिए और फिर उसमें आप घी लगाइए। उससे क्या होगा कि घी पूरी तरीके से रोटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा हमें घी लगाना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसे दोनों तरफ से घी लगा सकते हैं, और अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप थोड़ा सा घी एक ही तरफ रोटी की तरह लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से सिंपल से प्रोसेस से आप मक्के की रोटी घर पर ही बना सकते हैं। आप चाहें तो मक्के की रोटी को बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आपसे चकले बेलन पर वो रोटी नहीं बेल रही है तो आप देखिए हल्का सा पानी लगाइए पेड़ी में और धीरे धीरे हल्के हाथ से हाथ पर ही रोटी को फैला लीजिए। इस प्रोसेस में रोटी हल्की सी मोटी होगी बट टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है वो।
बाकी प्रोसेस आपको वो सेम करना है, बस अगर आपसे वो चकले बेलन पर नहीं मिल रही है तो आप हाथ से बना लीजिए। आप चाहें तो रोटी को दो पार्ट्स में भी बना सकते हैं। गैस पर सेकने तक का काम आप पहले करके रख लीजिए और उसके बाद जब भी आप सर्व करने लगे हैं या जब खाना खाने का टाइम आ जाएगा तब आप इसमें वो तवे वाला काम कर सकते हैं। मतलब कि आप रोटी को सेक के रख लीजिए और फिर तवे पर गरम करके आप उसमें अच्छे से घी लगा के सर्व कर सकते हैं। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। चलिए अब साग को पूरा कर लेते हैं। देखिए, जब मैंने इसमें दो सीटी लगा के 10 मिनट के लिए सिम रखा और उसके बाद कुकर को पूरी तरीके से डीप्रेशराइज होने दिया, जब हमने कुकर खोला तो साग कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम इसे अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलन। आलन माने, क्योंकि साग को थोड़ा सा हमें एक टेक्सचर में स्मूथ करना होता है, बाइंडिंग करना होता है, तो हम कहते हैं कि हमने साग में आलन लगाया। आप आलन वैसे तो किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। मैंने इसमें लिए हैं 2 चम्मच मक्के के आटा, 1 चम्मच बेसन, और इसको और स्मूथ टेक्सचर और इसके सरसों का टेस्ट एनहांस करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच सरसों का तेल। ये तीनों चीज़ें ऐड करके आप इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे सब लोग घबराते हैं, वो है साग को घोंटना। साग को देखिए, वैसे तो घोंटना होता है मथानी से। अगर आपके पास में मथानी है तो आप उससे सिंपल गैस पे रखिए साग को। करीबन इस प्रोसेस में 30 मिनट लगते हैं और अच्छे से मथानी से बीच बीच में घोंटते जाइए और साग को सिम पे रखे रहिए। और अगर आप मथानी से कंफर्टेबल नहीं हैं तो इस तरीके से आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करके साग एकदम से स्मूथ हो जाएगा, उसमें थोड़े भी पीसीज नहीं रहेंगे। देखिए, इस तरीके से ये साग पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। गैस इस प्रोसेस में या तो आप बंद करके ब्लेंड कर लीजिए और फिर साग को सिम पे रख लीजिए, चढ़ा लीजिए आप साइड में। अदरवाइज़ अगर आप कर पा रहे हैं तो गैस पर रखे रखे भी कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, जब तक साग घुट रहा है तब तक हम उसका छौंक तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम देसी घी लेंगे। आप देसी घी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने बहुत कम देसी घी में ये साग बनाया है। उसमें हम हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे और प्याज डालेंगे। साग में बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने इस छौंक में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम उसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा सूखे मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चुटकी भर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप इसको और ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप हल्का सा हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हल्दी का यूज़ नहीं होता है। जब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, इन द मीन टाइम आपका साग भी सिम पर पक रहा था, घुट रहा था, आप इसमें धीरे धीरे साग को ऐड कीजिए। अब देखिए, ये साग में आलन लगा हुआ है तो ये साग थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसमें हमें गर्म पानी आप साइड में रखिए और आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करते रहिए। ज़्यादा पानी ऐड करने से जब हम इस साग को घोटेंगे या फिर ये पकेगा तो ये बहुत ज़्यादा छींटे मारता है। तो अगर इसमें एक साथ आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए। इस छौंक में साग डालने के बाद हमें इस साग को 15 से 20 मिनट तक गैस पे रखना है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इसको चला लेंगे। आप इसे ढककर सिम पर रख दीजिए। 5 से 7 मिनट में इसे खोलकर आप चला लीजिए। आप देखिए, इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है। क्योंकि हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ किया है तो इसका एरोमा भी बहुत अच्छा आता है।
इस साग को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाए, या फिर आपको जो भी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है वैसा ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि साग के साइड में जब ये तेल छूटने लगता है या घी छूटने लगता है, अगर आपने घी अच्छे से डाला है तो इट मीन्स ये साग पक गया है और इसमें मुंह में एक कसैलापन नहीं आएगा। लास्ट में आप इसे, क्योंकि हमने इसमें कोई भी खटाई का यूज़ नहीं किया है, तो अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन। सर्व करने के लिए हम इसमें एक छौंक रेडी करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लीजिए, उसमें लहसुन की कलियां ऐड कीजिए, ये ऑप्शनल है। एक लाल मिर्च ऐड कर दिया है मैंने, और साथ में मैं इसमें जो छौंक लगाऊंगी वो लाल मिर्च पाउडर का। आप चाहें तो देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब साग सर्व करके आप ऊपर से इस छौंक को डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो लीजिए, ये तैयार हो गया है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। घर पर ही बैठे बैठे आप इस डिश को एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।